एक बार देख लीजिए इन तस्वीरों को, जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। ये तस्वीरें हैं बाराबंकी के बेलहारी गांव की, जहां बाढ़ की वजह से गरीबों की जान पर बनाई है। आलम यह है कि लोग अब भागने को मजबूर हो गए। हालांकि सरकार की ओर से हर संभव मदद करने की कोशिश की जा रही है, मगर इसके बावजूद भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाराबंकी में घाघरा नदी उफान पर है। आलम यह है कि इलाके के कई गांव बाढ़ के चपेट में आ गए। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि नेपाल से पानी छोड़ने के बाद नदी उफान पर है और जल स्तर खतरे के निशान से करीब 90 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया, जिसके चलते रामनगर और सिरौली गौसपुर के करीब 50 गांवों में हालात बद से बदतर हो गया है। बाढ़ आई है, लड़के बच्चे को खाने को दिक्कत हो रही है, गैस भी नहीं है, हम लोग क्या करें? लड़के बच्चे खाने भी नहीं तड़प रहे हैं। आज गल्ला हम लोग के सरकार ने दिए हैं, उसके आगे कोई सुनवाई नहीं हो रहा। हम लोग के मरीज लेकर के हम लोग रोड पे बैठे हैं, मरीज के देखे कि लड़के बच्चे के देखें, पानी रास्ते में भरा हुआ है, घर पे भरा हुआ है, हम लोग कहाँ जाएं लड़के बच्चे लेकर के। वही प्रशासन लोगों को खाने पीने का सामान बंटवा रहा है और बाढ़गढ़ के अधिकारी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और राहत बचाव टीमों द्वारा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। परसों रात से नदी यहां अचानक बाढ़ शुरू हो गई है, तब से लेकर आज तक अभी बढ़ रही है। हालांकि विभाग अपना कार्यक्रम पूरा देख रेख कर रहा है, बाढ़ राहत सामग्री भी बंटवाया है, गांव के लिए पूड़ियां भी लेके आया है, ब्लॉक से बनवा के भिजवाया गया है, लेकिन नदी अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है, हम लोगों की समस्या बढ़ रही है। यूपी तक के लिए बाराबंकी से सैयद रेहान की रिपोर्ट।